राम राम जी। आज हम लोग जा रहे हैं गुरु से मिलने, जिनके कारण मेरी पूरी 12th बढ़िया से गई और उनके कारण बहुत कुछ बढ़िया हुआ। वो एक चीज पता है, जब भी मेट्रो में बैठो, खासकर दिल्ली मेट्रो में, और मेट्रो का तो मैं पता नहीं है बेंगलोर मुंबई का, दिल्ली नोएडा गुड़गांव मेट्रो में बैठो ना, कभी बहुत पीछे जाके बैठो तभी खाली जगह मिलती है। और ऐसे अगर 3-4 लड़के या दोस्त वगैरह हैं तो फिर तो लास्ट में ही मजा आता है। काफी डायरेक्ट मेट्रो में बैठते हैं और फिर कुछ सिनेमैटिक शॉट्स के साथ मैं आपको डायरेक्ट पहुंचाता हूँ गौरव चौधरी सर के पास। चलो फिर भाई। है कि यहाँ पे आते ही पहले दिखा दिया 36 किलोमीटर, मैं खुद घबरा गया इतना कैसे चला जाए। फिर अचानक से दिखा रहा 2 किलोमीटर, अब 1.5 किलोमीटर तक दिखा रहा। हेलो वो मोटिवेशन, ये भी मोटिवेशन में आ रहा। मैंने पूरी बात सुन ली, मैंने उस बंदी से कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं दिमाग में बात कर चुका था। तुम समझ रहे हो, मेरी दिमाग में उससे बात हो गई थी। हाँ, मैं दिमाग में बात कर चुका था और मैंने कुछ नहीं बोला। एंड मुझे ऐसा लगता है ये कुछ इंसिडेंट्स मेरी लाइफ में ऐसे हुए जिसने मेरी पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा चेंज कर दिया। आपकी लाइफ में अगर आज दोस्त है तो वो होने चाहिए जो आपके साथ 8 घंटे बैठने को तैयार है। चले आप मिलकर रगड़ते हैं, कुछ लाइफ में स्टार्ट करते हैं, यहाँ से ग्रो होना चालू होते हैं। वो नहीं होते चल गफ्फार मार्केट में बैठ के फुल्की खाते हैं, है ना। अगर ऐसे दोस्त हैं अगर बात कर रहे हो दूर हो जाओ। जिसको अभी समझ में नहीं आ रहा है, 24-25 की उम्र, अपने आप समझ में आएगा बेटा तुम लाइफ में क्या कर रहे हो। वो जो तुम फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे जोक्स देखते हो ना कि हम स्लेवरी कर रहे हैं, हम यहाँ पे बस 10 से 5 की नौकरी कर रहे हैं, जितना जिम तुम कर रहे हो आज, जितना प्रोटीन दबा के खा रहे हो आज, सब निकल जाएगा। मेरे ऐसे ऐसे दोस्त रहे। एक बंदा था, मैं उस टाइम पे जब कुछ नहीं था, मेरे पास वही टूटी हुई ग्लैमर थी, वो पल्सर 200 लेके घूमता था, बढ़िया मस्त फैंसी ड्रेस एकदम तरीके से, वो तो नहीं ऑर्गेनाइज करवाने वाले लड़के, है ना,
जो सबके पास जा जाके पैसा लेके आते हैं, यू नो आई एम द वन हु इज ऑर्गेनाइजिंग द फेवर पार्टी, वो मुखिया थे भाई साहब कॉलेज और सब्सिडी को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में ग्रो करो और खासकर ऑनलाइन ग्रो करो और फिर देखो कि तुम उसको संभाल पा रहे हो कि नहीं। अभी तो पापा के साथ काम करो, बट व्हेन यू थिंक कि उसका पोटेंशियल है कि तुम उसको अलग से कर सकते हो तो सब्सिडी बनवा के अपना काम चालू करो, तो तुम्हारे कंट्रोल में सारी चीज़ें रहेंगी। उसके बाद देखो कुछ बन पाता है कि कॉलेज का हो जाता है सीधा शॉप से चला जाता। बिल्कुल बिल्कुल कॉलेज का गैप नहीं बीच में और क्या सेकेंड ईयर है अभी मत करो, तुम्हें 6 महीने में तुम्हारी प्रायोरिटी समझ में आ जाएगी। एक और चीज़ प्रायोरिटी, कई बार ऐसा होता है ना, तुमने देखा हुआ है मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को कहीं निकलना है, मेरे को कहीं जाना है, तो याद है ना एक चीज़ छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ता है। ऐसे ही अगर कॉलेज में बीच में तुम्हें डिसाइड करना पड़े, मेरे साथ भी हुआ था, मैं अच्छे कॉलेज में पढ़ा हूँ, बीकॉम ऑनर्स की डिग्री है, लेकिन मेरे को सेकंड ईयर में ये पता चल गया था कि मेरी प्रायोरिटी क्या है। मेरे फोर्थ सेम में 59% बने थे, मैं 70 से ऊपर की ब्रैकेट में रहता था इन कॉलेज में, 70 इज़ वेरी गुड अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो मैं 59 पे आ गया था। बट क्यों? क्योंकि मेरे को मेरी प्रायोरिटी मालूम थी कि मेरे को करना क्या है, वो तुम्हें खुद से पता चलेगी, तुम्हें अभी से डिसाइड नहीं करना है, उस दिन पता चलेगा कि आज मेरे को कॉलेज जाना चाहिए या नहीं। तो अभी भी यही होता है, अगर कुछ वहाँ पे काम होता है जैसे मेरे को करना है तो मैं कॉलेज को छुट्टी नहीं लेता हूँ, हाँ, और जैसे सीधा ऑफ होता है, जैसे आज ऑफ था अम्बेडकर जयंती की, अगर यहाँ ना होता आना होता तो मैं सीधा वहीं पर ही होता, समझ गए ना? तो तुम्हारे मोमेंट तुम्हारे डिसाइड करेंगे तुम्हें करना है, ठीक है? हाँ, यहाँ कोई पूछा था, हाँ सर, मजा आ गई भाई, बाबा जी से मिल के। हाँ भाई, बेटा यू आर यू शूट कर रहे हैं क्या? हाँ, व्लॉग ही है नोएडा क्लब का। चलो बढ़िया है। ये वीडियो मैं तो बनाऊंगा आराम से, बिल्कुल थिएटर में लगा के दिया, बिल्कुल भाई वो पैसा इधर लगाओ और इधर देखो इन्वेस्टमेंट के लिए क्या मिलेगा। मैंने तो यही किया, फिर से घर वालों का अभी मत सोचो, क्योंकि घर वाले इतने बूढ़े नहीं है, 10 साल बाद जो उनकी कंडीशन होगी बहुत अलग होगी, जो अभी अभी अपने आप को टाइम, अभी घर वालों को टेंशन होती है। प्रतीक का है, मीत का है, वहाँ पे थोड़ा सा कहाँ पे वो प्रतीक रख लेना प्लीज, ये सर सर एक मिनट, साकर 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 फोटो लेना, हाँ थैंक यू, और हमें फोटो भी लेंगे ले रहा हूँ। पेड़ पौधे भाई साहब, ये तो आज फील बढ़िया आ रहा है सर से मिलके, लाइट बढ़िया जल रहा है, ऐसे मिलके मजा आ रहा है, पहली बार ऐसी जगह पे आया हूँ। अच्छा, शॉर्ट्स बनाता है क्या? नहीं, अच्छा ऐसे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन ये तो है लाइटनिंग के बाद बढ़िया लग रही है, ये अभी तो चल रही है। कौन से कॉलेज से डाल लगती है? अरे कॉलेज तो ऐसी है, तो भाई क्या सही चीज है। जय श्री राम। हम तो भाई
जितना भी मीटअप वगैरह था सब हो गया है और अब हम लोग घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। यहाँ से निजामुद्दीन रेलवे सॉरी मेट्रो स्टेशन सॉरी वहाँ से रेलवे स्टेशन से होते जाना पड़ेगा। तो पहले रेलवे स्टेशन फिर मेट्रो स्टेशन और कम से कम 5-6 किलोमीटर तो मैं अभी चलना और है रात में मतलब और उसके बाद फिर 18 से सेक्टर 51 तक जाना है, फिर 51 से 101 तक जाना है, फिर वहाँ से घर तक जाना है। बहुत सारा चलना फिरना है। और तो भाई वीडियो सही लगाओ तो सपोर्ट भर के दिखाओ मैं। और हाँ अब तुम एंजॉय करो दिल्ली और नोएडा के नाइट्स के सिनेमैटिक शॉट्स जो कि ये हैं। अपन आ गए घर पे और ये है नोएडा के सबसे ऊंचे हनुमान जी। जय बजरंगबली।